दोस्तों स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, प्रत्येक गांव के लिए सरकार के पास पैसा है उपलब्ध। प्रदेश के प्रत्येक गांव को धनराशि दे रखी है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो हम और पैसा देंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि गांव के जनप्रतिनिधि क्या इस पैसे को सही तरीके से लगा रहे हैं या फिर पैसे को हड़प कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि प्रत्येक गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम खोलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। योगी ने गाँव के लोगों को जागरूक होने की बात कही, लेकिन जागरूकता अब है कहाँ। अब सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं का लाभ गांव के भोले भाले लोगों को मिलेगा, कैसे, क्या ग्राम प्रधान इन लोगों को योजनाओं का लाभ दे पाएंगे। आप भी देखें यह वीडियो, क्या कहा योगी जी ने गांव के विकास के लिए। मुझे प्रसन्नता है कि युवा कल्याण विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर एक नई स्पीड, अच्छी स्पीड पकड़ी है। ये जो स्पोर्ट्स किट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, रखने के लिए नहीं, अपने गाँव में खेलकूद की गतिविधियों को का एक आधार बनाइए। ग्राम पंचायत के साथ मिलकर खेल का मैदान बनाने के लिए उनको बाध्य करिए। मैं जब खाली जमीन नहीं है तो कहीं जमीन को गांव के लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर के उसको खेल के मैदान के रूप में आरक्षित करिए। वो खेल का मैदान भी होगा, गांव के किसी भी शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक आपके लिए आधार होगा। रामलीला या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, इसके लिए भी आपको, गांव में कोई मेला लगाना है, इसके लिए भी आपके लिए एक जगह होगी। और उसके एक कोने में एक और ओपन चिप महिलाओं के लिए, एक तरफ पुरुषों के लिए भी आप बना सकते हैं। पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। हर ग्राम पंचायत को हमने पर्याप्त धनराशि दे रखी है, और पैसे की कमी पड़ेगी तो हम और पैसा देंगे। पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी कहीं भी। सवाल यह है, इसके लिए हमें तैयार होना होगा, गांव को जागरूक होना पड़ेगा। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को नेतृत्व देने के लिए तैयार होना पड़ेगा।